कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दावा था कि उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बनाया बल्कि पूरे बर्रे सगीर को आज़ादी उन्होंने दिलवाई, जबकि गांधी, नेहरू और बाज़ दूसरे रहनुमा कोशिश कर रहे थे कि बर्रे सगीर पर अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम रहे। वो चाहते हैं कि अंग्रेज इस मुल्क में रहे, अगरचे ये वो पॉलिसी नहीं जिसका वो ऐलान करते हैं। जिन्ना के इस दावे पर सिर्फ उनके मुखालिफीन ही ने पर्दा नहीं डाला बल्कि जो लोग उनकी अकीदत का दम भरते हैं उन्होंने भी इसे नज़रअंदाज किए रखा है। हमें इस पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए क्योंकि जिन्ना की तहरीक आवाम के बल पर चली थी, तालीम याफ्ता तबका बाद में आया। मैंने ये अकेले हासिल नहीं किया, लाखों मेरे साथ थे और खास तौर पर अवाम। तालीम याफ्ता तबका बाद में आया, अवाम पहले आए। तालीम याफ्ता तबका जो बाद में आया उसमें सिर्फ हुक्मरान और अफसरान ही शामिल नहीं है बल्कि वो लोग भी शामिल हैं जिनसे हम जिन्ना के बारे में मालूमात हासिल करते रहे हैं। हालांकि जिन्ना अपनी कौम में जो वाहिद कमी देखते थे वो इसी तबके में थी। मैं देखता हूँ कि एक अहम चीज की कमी है। तालीम याफ्ता तबका एक उसूल अख्ज नहीं कर सका, खुद एतमादी और अखलाकी, सकाफती और सियासी खुद आगाही। खुद एतमादी और कौमी शऊर के बगैर हकीकत को देखने की सलाहियत पैदा नहीं होती, इसलिए कायदे आज़म को बिल्कुल हैरत ना हो अगर आज वो वापस आएं और देखें कि हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते और हमने उनकी जगह एक फर्जी किरदार अपने ज़हनों में बिठाया हुआ है। आज आप उस फर्जी किरदार के बजाय असल शख्सियत से वाकिफ होने लगे हैं क्योंकि आज हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उस तरह देखेंगे जिस तरह वो हमें दिखाना चाहते थे। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में सबसे पुरानी दस्तावेज कराची के सिंध मदरसतुल इस्लाम के रजिस्टर में उनके दाखले का इंदिराज है। उनके या उनके खानदान के बारे में इससे पहले की मालूमात के लिए हमें तकरीबन मुकम्मल तौर पर जबानी रवायात पर भरोसा करना पड़ता है जो बास तफसीलात में एक दूसरे से इख्तिलाफ रखती हैं। जिन रवायात पर किसी हद तक तवज्जो दी जा सकती है उनका खुलासा ये है कि जिन्ना के बुजुर्ग काठियावाड़ के एक गांव से हिजरत करके कराची आए थे और इस्माइली खोजा फिरके से ताल्लुक रखते थे। कायदे आज़म के वालिद का नाम जिन्ना भाई पूंजा था जो बाद में जिन्ना पूंजा हो गया। वालिदा का नाम शीरीं बीबी और उसका गुजराती मुतरादिफ मीठी बाई बताया जाता है।
एक रिवायत ये है कि वो नस्लन ईरानी थी और कुछ मुद्दत पहले उनके खानदान ने ईरान से हिजरत की थी। मोहम्मद अली जिन्ना अपने वालिदैन की पहली औलाद थे। उनके वालिदैन के 4 बेटे और 4 बेटियां थीं। उनमें से बास बच्चे कम उम्री ही में फौत हो गए। जिन्ना ने 3 दफा सिंध मदरसतुल इस्लाम में दाखला लिया। कुछ दिनों के लिए वो बम्बई भी गए और वहां अंजुमन इस्लाम स्कूल में पढ़ा। ये दोनों स्कूल मुसलमानों के तालीमी इदारों के उस सिलसिले का हिस्सा थे जो पूरे बर्रे सगीर के शहरों में फैल रहा था। इस किस्म के इदारे आम तौर पर सर सैयद अहमद खां के पैगाम से मुतासिर थे, जिनका कहना था कि अपनी कौम से मोहब्बत और पूरी इंसानियत से मोहब्बत एक ही सफर के मराहिल हैं। जिन्ना अपनी उम्र के 16वें साल में थे जब उन्होंने सिंध मदरसतुल इस्लाम आखिरी दफा छोड़ा ताकि अपनी शादी के लिए एक करीबी रियासत का सफर कर सके। बताया जाता है कि ये रिश्ता वालिदैन ने तय किया। बीवी का नाम बाज रिवायात में अमर और बाज में एनी बताया गया है। वो उम्र में जिन्ना से कुछ छोटी थी। साल भर में जब जिन्ना इंग्लिस्तान के लिए रवाना हुए तो वो पीछे रह गईं और चंद बरस से ज्यादा जिंदा ना रहीं। जिन्ना का खानदान बरामदात का कारोबार करता था, बिलखुसूस मछलियों से हासिल किए हुए अज्जा की तिजारत की जाती थी। उस जमाने की बाज कानूनी दस्तावेजात से एक मुहक्किक ने ये अंदाजा लगाया है कि कारोबार इतना फैल रहा था कि लंदन में शाख कायम करने के लिए जिन्ना को वहाँ भेजा जा रहा था। लेकिन उन्हीं दस्तावेजात से एक और मुहक्किक ने ये नतीजा भी अखज किया है कि कारोबार नुकसान में जा रहा था और जिन्ना को किसी दूसरी फर्म में मुलाजमत के लिए इंग्लिस्तान भेजने की तैयारी थी। बहर सूरत 16 बरस की उम्र में जिन्ना ने कराची के चर्च मिशन स्कूल में दाखिला लिया जो बरतानवी मिशनरियों के जेरे एहतमाम था। उसी बरस बास कारोबारी दस्तावेजात में भी जिन्ना का नाम मिलता है। करीने कयास है कि अगले बरस के शुरू में जिन्ना कराची की बंदरगाह से रवाना हुए, क्योंकि फरवरी 1893 के आगाज तक वो लंदन पहुंच चुके थे। ये मलिका विक्टोरिया का ज़माना था जिन्हें जिन्ना ने हमेशा एक अजीम और अच्छी मलिका के तौर पर याद रखा। उस ज़माने में एक मुहिब्बे वतन हिंदुस्तानी आम तौर पर इस बात पर यकीन रखता था कि बरतानवी कौम दिल से चाहती है कि एक दिन हिंदुस्तान खुद हुकूमत करने के काबिल होकर आजाद हो सके। हुब्बुल वतनी की एक बहुत बड़ी अलामत दादा भाई नौरोजी थे जो एक पारसी ताजर और सियासी रहनुमा थे और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते थे। लंदन में फिंसबरी के हलके से पार्लियामेंट का इंतखाब लड़ते हुए उन्होंने अपने सफेद फार्म वोटरों से कहा, यहाँ खड़े होकर 25 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते हुए जो आप ही की तरह सल्तनत बरतानिया की रियाया हैं, बेशक मैं अपनी जिम्मेदारी से खूब वाकिफ हूँ। यानी अगर मैं कामयाब हुआ तो मेरा पहला फर्ज ये होगा कि मैं इस हलके के मफादात को पूरी तरह सामने रखूँ। फिलहाल मैं हिंदुस्तान के मफादात पेश करना नहीं चाहता। अंग्रेज़ों के बारे में जिन्ना के अपने महसूसात की झलक हमें उस पैगाम में मिलती है जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी बरस दिया था। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों और बरतानवी लोगों के दरमियान खासा एहसास रिफाकत मौजूद है। शायद दोनों की सोच का अमली अंदाज और खालिस ज़हनी मुशागाफियों और जज्बातियत से बेजारी इसकी वजह है।
बेशक वक्तन फवक्तन मसाइल, दुश्वारियां और गलत फहमियां भी पेश आती रहती, लेकिन वो इतनी अहम नहीं होती जितनी के दोस्ती। लिंकन्स इन में दाखला जिना ने लंदन आने के चंद माह बाद लिया। अगरचे उन्होंने लंदन आने से पहले स्कूल की तालीम मुकम्मल नहीं की थी, लेकिन मालूम होता है कि यहाँ आते ही उन्हें दिमागी मुशक्कत और पढ़ाई के साथ इश्क हो गया। बैरिस्टर बनने के लिए एक तालिबे इल्म को दो शराइत पूरी करनी पड़ती थी। पहली शर्त ये थी कि इदारे में दाखले को कम से कम 3 बरस की मुद्दत गुजर चुकी हो, और तालिबे इल्म ने इदारे में मुनक्किद होने वाले डिनर्स की एक मखसूस तादाद में शिरकत की हो। दूसरी शर्त ये थी कि रोमन कानून का पर्चा और फाइनल इम्तिहान के पर्चे पास करे। रोमन कानून का पर्चा कभी भी दे सकते थे, मगर फाइनल इम्तिहान सिर्फ उस वक्त दिया जा सकता था जब दाखले को कम से कम 2 साल की मुद्दत गुजर चुकी हो। नौजवान जिनाह ने पहले बरस ही रोमन कानून के पर्चे की तैयारी शुरू कर दी, जो वक्त से काफ़ी पहले थी। पहली दफ़ा में वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन तैयारी के दौरान उन्होंने जिस तरह मेहनत की, उससे वो बैरिस्टर बहुत मुतासर हुआ जो उन्हें ये मजमून पढ़ा रहा था। उसके बाद जाब्ता बदल गया। अब एक तालिबे इल्म किसी वक्त भी फाइनल इम्तिहान दे सकता था, लेकिन शर्त ये थी कि तमाम पर्चे एक ही दफ़ा में पास करे। जिना ने ये नया जाब्ता मुतारिफ होते ही फाइनल इम्तिहान के तमाम पर्चे दे डाले। हालांकि उन्हें लिंकन्स इन में तालीम शुरू किए हुए मुश्किल से 1.25 बरस हुआ था। वो कई पर्चों में पास हुए जिनमें रोमन कानून भी शामिल था, मगर तमाम पर्चों में पास ना हो सके। चुनाचे जिना ने 3 माह बाद फिर इम्तिहान दिया। इस दफ़ा भी तमाम पर्चों में एक साथ पास ना हो सके। 3 माह बाद फिर इम्तिहान में बैठे। इस तीसरी कोशिश में कामयाब हुए जब उन्हें लिंकन्स इन में दाखला लिए मुश्किल से 2.25 साल हुए थे। नतीजे का ऐलान उस दिन हुआ जब उनके पसंदीदा शायर और ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर की सालगिरह थी। वक्त से बहुत पहले फाइनल इम्तिहान क्लियर करने की वजह से अब जिना के पास 1.25 साल का तवील अरसा था। जब उन्हें अपने दाखले पर 3 बरस की मुद्दत गुजरने और चंद डिनर्स में शरीक होने के सिवा कुछ नहीं करना था। फरागत के उस जमाने में जिना ने एक बैरिस्टर के चैम्बर में मुतालिया किया, इंग्लिस्तान की अदालतों का मुशाहिदा किया, बरतानवी सल्तनत की सियासत का जायजा लिया, ब्रिटिश लाइब्रेरी में किताबें पढ़ी और साथ ले जाने के लिए किताबें जमा की। इस दौरान घर में उनकी वालिदा का इंतकाल हो चुका था। एक रिवायत के मुताबिक उनकी बीवी भी फौत हो चुकी थी, जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक वो 1.5 बरस बाद फौत हुई। उनके वालिद का कारोबार बंद हो चुका था और वो अपने बच्चों को साथ लेकर बम्बई मुंतकिल हो चुके थे। लिंकन्स इन से बैरिस्ट्री की सनद हासिल करने के बाद जिना ने समंदरी रास्ते से वापसी का सफर किया और बम्बई पहुंचे। कहा जाता है कि वापसी के बाद साल भर में वो आगा खां का इस्माइली फिरका छोड़ चुके थे। आगे चलकर उन्होंने ना सिर्फ अपने बारे में कहा कि वो सिर्फ मुसलमान हैं और किसी फिरके से ताल्लुक नहीं रखते, बल्कि बर्रे सगीर के तमाम मुसलमानों को भी यही कहने का मशवरा दिया।
बंबई में आमद के साथ ही वो अंजुमने इस्लाम के जलसों में भी शरीक होने लगे थे, जो शहर के मुसलमानों की एक नुमाया तंजीम थी। इनमें से बास जलसों से सर सैयद के दस्ते रास्त और जानशीन नवाब मोहसिनुल मुल्क ने भी खिताब किया। इंग्लिस्तान से वापसी के चंद माह बाद जिन्ना एक सिविल मुकदमा जीत चुके थे, जो कराची के किसी ताजिर ने वहां की एक अदालत में उनके और उनके खानदान के खिलाफ दायर किया था। इसी किस्म के एक और मुकदमे में भी वो अपनी सहूलत के मुताबिक तस्फिया करवा चुके थे। उन्हें बंबई हाई कोर्ट में आए 2 बरस पूरे नहीं हुए थे, जब वो उस जमाने के एक मशहूर तरीन मुकदमे में वकीलों की एक टीम के साथ शरीक हुए। टीम की कयादत शहर के नामवर बैरिस्टर और पारसी रहनुमा सर फिरोज शाह मेहता कर रहे थे। उसी जमाने में उन्होंने एक सीनियर पारसी वकील के साथ मिलकर एक और मुकदमा जीता, जो एक रेफरेंस केस करार पाया और कानूनी जर्नल में शाये हुआ। ये एक बड़ी बात थी कि नौजवान जिन्ना ये कामयाबी उस वक्त हासिल कर चुके थे जब उन्हें वकालत के पेशे में कदम रखे 2 बरस भी नहीं हुए थे और जब उनकी उम्र सिर्फ 21 बरस थी। 20वीं सदी के पहले बरस जिन्ना ने बंबई की एक पुलिस कोर्ट में थर्ड प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट की हैसियत में 6 माह तक मुलाजमत की। पुलिस कोर्ट में जिन्ना मुआशरे के निचले तरीन तबके के साथ बराह रास्त रबते में आए। ये वो मुसीबत ज़दा तबका था जो उनकी बैरिस्टर की हैसियत में शायद कभी उनके करीब ना आ सकता। उनके सामने पेश किए गए मुलजिमों में 10 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियां शामिल थे, जिन्होंने इंतहाई गुर्बत में परवान चढ़ते हुए किसी मामूली चीज़ की चोरी की थी और बेबसी से अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहे थे, रहम की भीख मांग रहे थे और उस मुस्तकबिल की आंखों में झांक रहे थे जिसमें उनके लिए उम्मीद की कोई किरण मौजूद नहीं थी। जिन्ना समझते थे कि अंग्रेजों ने अदालती निज़ाम को जिस तरह इर्तिका दिया है वो अवाम के हुकूक और उनकी आज़ादियों की हिफाजत करने के लिए काफ़ी हो सकता है, मगर ये निज़ाम अपना मकसद हासिल करने में नाकाम हो रहा था, जिसकी वजह जिन्ना के नज़दीक अफसरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी थी। आगे चलकर उन्होंने कहा कि वो देख चुके थे कि बरतानिया में सिविल सर्वेंट अवाम की खिदमत करते हैं मगर यहाँ इस तरह पेश आते हैं जैसे मुल्क के हुक्मरान हो। उन्होंने कहा कि यहाँ सिविल सर्विस एक ऊंची जात बन गई है जो जात पात के पहले से मौजूद निज़ाम से भी ज़्यादा तबाहकुन है।